सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। लगातार तीसरी बार फेल हुई हो तुम तीनों। आई नो, कॉलेज और हॉस्टल दोनों से निकाल दिया जाएगा। यार गीता, तू हर साल पास कैसे हो जाती है? वेरी सिंपल, तुम तीनों की तरह साल भर पढ़ाई इग्नोर ना करके। सीमा, हम अपने घर वालों को क्या जवाब देंगे? इट्स वेरी सिंपल रुबीना, हमें अपने घर वालों को सच से बता देना चाहिए कि पढ़ाई वढ़ाई अपनी बस की बात नहीं है। मतलब जिस तरह हमने ये दो साल अपनी मौज मस्ती में गुजारती है, उसी तरह अपनी बाकी की जिंदगी भी गुजार देंगे। हमें कौन सा पढ़ लिख कर नौकरी करनी है? ये इतना आसान नहीं है सीमा, दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है। जो रास्ता पिछले हमने दो सालों में अपनाया है, उससे हमेशा के लिए नाता तोड़ना होगा। क्या ये आसान है अनीता? मैं अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दूंगी। Have you gone mad? इससे बेहतर है कि we commit suicide. What? What? मैडम, आप? हाँ मैं। कोई जरूरी काम था तो फोन कर दिया होता, मैं खुद ही। काम कुछ ऐसा है कि मैं फोन पर बता नहीं सकती। जी आप बैठ। हाँ, ये काम हर हाल में आज के आज ही हो जाना चाहिए। कैसे करना है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। आज रात तक मुझे रिपोर्ट चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? Thank you.
तीनों की मौत एक ही तरीके से हुई है, दाहिने हाथ की कलाई काट। कौन है इस हॉस्पिटल का ट्रस्टी, यू टेल मी। सोशल वर्कर डॉक्टर सुषमा दीवान। डॉक्टर सुषमा दीवान, मिसेज मधु चोपड़ा, ये उन लड़कियों का रिजल्ट्स। जी कल ही आया है, गीता को छोड़कर बाकी तीनों फेल हो गई थी। ये गीता कौन है? इन तीनों की चौथी रूम पार्टनर। कहाँ है? शायद कल रात अपने पिताजी के साथ वापस चली। कल रात अपने पिताजी के साथ वापस चली गई। श्रीवास्तव, पूरे होशो हवास में बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी से आत्महत्या कर रही हूं। मेरी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार न ठहराया जाए। अनीता, हाँ, ये सुइसाइड नोट्स शायद किसी कंप्यूटर से निकाले गए हैं। ये कहीं आपके ऑफिस का कंप्यूटर तो नहीं? ये हो सकता है। आज सुबह जब मैं ऑफिस गई थी तो खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। शायद किसी ने खिड़की खोल के अंदर घुस के, चोरी कुछ भी नहीं हुआ था। आप क्या साबित करने की कोशिश कर रही हैं मिसेज मधु चोपड़ा? आप मुझे क्या बोल रही हैं? आप मुझे क्या कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं? आपकी बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं, इट्स इम्पॉसिबल। क्या कह रही हैं आप? एक लड़की उस कमरे से आपके ऑफिस तक बाकायदा चलकर आएगी सुसाइड करने के लिए, आपकी खिड़की तोड़ेगी, अंदर आएगी, कंप्यूटर पे नोट प्रिंट करेगी, उसके बाद दस्तखत करेगी, फिर वापस अपने कमरे तक जाएगी और सुसाइड कमिट करेगी? इट्स इम्पॉसिबल। आप अगर सुसाइड करना चाहेंगी तो आप कैसे करेंगी? आप ऐसा करेंगे? आप बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। आप सिंपली एक कागज कलम लेंगे, उस पर चार लाइनें लिखेंगे और सुसाइड कमिट कर लेंगे। लेकिन इस नोट का मिलना अपने आप में एक सबसे बड़ा सुराग है। ये नोट उन लड़कियों ने नहीं, किसी और ने लिखा है और उसके बाद ये दस्तखत करवाए गए हैं। ये दस्तखत पहचानती हैं आप? जी। आप पहचानती हैं? जी हाँ। हाँ। Alright. लेकिन वो तब होता जब ये हत्या का केस होता, लेकिन ये हत्या का केस तो है नहीं मिसेज मधु चोपड़ा, ये तो आत्महत्या का केस है ना? होता है लड़कियां कॉलेज में स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं तो अक्सर ही गलती कर बैठते हैं। आपकी तारीफ जी, मैं इसका कम नसीब बाप। आपका शुभ नाम क्या है? महेश, महेश कृपलानी। मिस्टर महेश कृपलानी, रिलैक्स, एवरीथिंग विल बी ओके। सर, आपकी बेटी अनीता कल रात ये लेटर आपके लिए छोड़ गई थी। थैंक यू।
उन तीनों लड़कियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। श्रीवास्तव, मेरा शक सही निकला। नाइट्रोवेट की गोलियां। मतलब सुषमा नर्सिंग होम। सुषमा दीवान जी, मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है, फ्रॉम क्राइम ब्रांच। बैठिए। थैंक यू। मधु जी ने तो आपको बता ही दिया होगा हॉस्टल के हादसे के बारे में। जी हाँ, मुझे बहुत अफसोस हुआ। एग्जाम में फेल होकर निराशा में कई बार स्टूडेंट्स ऐसी हरकतें करते हैं। एग्जैक्टली, मेरा भी यही ख्याल है। एनी हाउ, डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि आपके हॉस्टल में कोई डिसिप्लिन, कोई कायदा कानून नाम की कोई चीज होनी चाहिए? ऑफ कोर्स। ये लड़कियों का देर रात तक बाहर रहना, किसी भी आदमी का हॉस्टल में आना जाना और कोई नशे की चीजें हॉस्टल के अंदर स्मगल होना, वो लड़कियां देर रात तक हॉस्टल के बाहर आती जाती रहती हैं, आपके रजिस्टर में, आपके रिकॉर्ड में कुछ है ही नहीं? उन तीन लड़कियों के कमरे से शराब की बोतलें मिली हैं, सिगरेट के पैकेट्स मिले हैं, कुछ अश्लील वीडियो कैसेट्स मिले हैं। देखिए इंस्पेक्टर साहब, लड़कियों पर 24 घंटे नजर रखना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माफ कीजिएगा डॉक्टर सुषमा दीवान, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकायदा है। आप इस देश, इस समाज की एक बाइज्जत शहरी हैं, आपको तो मुझसे इत्तेफाक होना चाहिए। हेलो, एक मिनट सर, आप मैडम से खुद बात कर लीजिए। एमएलए साहब का फोन। जी नमस्ते, आप फिक्र मत कीजिए, आपको आज तक इनकार किया है हमने। जी जी, एक दो दिन में आपका काम हो जाएगा। जी नमस्ते। सॉरी। नो, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। वैसे कॉन्टैक्ट्स आपके बहुत बड़े लोगों से हैं। एनी हाउ, वो जो तीन लड़कियों की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई है, उसमें उन्होंने वो स्लीपिंग पिल्स बहुत तादाद में खा ली है। क्या नाम है उस पिल का? नाइट्रोवेट। नाइट्रोवेट। शराब भी पी रखी है। इसके मायने ये हुए कि शराब में मिला के स्लीपिंग पिल्स खाई हैं और काफ़ी तादाद में खाई हैं, और इतनी तादाद में स्लीपिंग पिल्स खाने के बाद कोई अपनी कलाई, अपनी नस इस तरह से नहीं काटता। मुश्किल। आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता होगा कि इस किस्म की स्लीपिंग पिल्स आजकल मार्केट में बैन है। अच्छा मधु जी, आप ये बताइए कि क्या ये लड़कियां पहले से ही नशा करती थीं, वो ड्रग एडिक्ट थीं? मुझे नहीं मालूम।
देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये बात साफ है कि उन लड़कियों ने सुसाइड किया है, तो फिर इन सवालों का मतलब क्या है? मतलब है मिस सुषमा दीवान, क्योंकि ये बात अब साफ हो चली है कि उन लड़कियों ने सुइसाइड नहीं किया है, उनका मर्डर हुआ है। चलता हूं मैं फिलहाल के लिए। गीता बेटे। जी डैडी। मैं देखती हूँ डैडी। हेलो, गीता त्यागी बोल रही हूँ। इसका फोन है बेटी। डैडी, वो मेरी सहेली का फोन था। हेलो। तो क्या सोचा तुमने? नो, नेवर। मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकती, किसी भी कीमत पर नहीं। किसका फोन था बेटी? कुछ नहीं डैडी, वो रॉन्ग नंबर था। अच्छा बेटी, रात बहुत हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। जी डैडी। ओके, गुड नाइट। तुमने कभी उन्हें नाइट्रोवेट की गोलियां खाते हुए देखा? क्या नाम है उनका? सीमा, अनीता और रुबीना। उनके पास इतनी सारी स्लीपिंग पिल्स आई कहां से? मुझे नहीं मालूम, मैंने तो उन्हें कभी गोलियां खाते नहीं देखा। हाँ हाँ, जिस रात उन्होंने आत्महत्या की उस रात आप कहां थी? जी, मैं उन्हीं के साथ में थी, लेकिन जब तक मैं थी तब तक तो बिल्कुल नॉर्मल थी। आप हॉस्टल से कितने बजे निकली थी? यही कुछ 10-10:30 बजे। 10 या 10:30 एग्जैक्टली बताइए। जी, अच्छे से कुछ याद नहीं। एक्चुअली इंस्पेक्टर भारत, मैं इन लड़कियों से 2-3 बार हॉस्टल में मिला था। बड़ी हसमुख लड़कियां थी। बड़े अफसोस की बात है, पता नहीं उन बेचारियों के पेरेंट्स पर क्या गुजर रही होगी। मिस्टर नवीन त्यागी, आप तो इसी शहर में रहते हैं ना? यस। तो आपकी बेटी यहाँ हॉस्टल में पढ़ती है, बात कुछ समझ में नहीं आई मेरे। देखिए इंस्पेक्टर भारत, गीता की माँ नहीं है, और मैं काम की वजह से तकरीबन महीने में 20 दिन बाहर रहता हूँ। तो बजाय इसके कि गीता को मैं अकेला घर पर छोड़ूं, मैंने उसे हॉस्टल भेज दिया। आप बताइए गीता जी, उन तीनों ने सुसाइड क्यों किया होगा? उसकी क्या वजह हो सकती है?
एग्जाम्स में दो तीन बार फेल होने की वजह से? और कोई वजह नहीं हो सकती, बस यही एक वजह। और क्या वजह हो सकती है? कोई भी वजह हो सकती है, कोई ऐसी वजह हो सकती है जो उनकी हत्या का कारण बन गई है। हत्या? जी हाँ, हत्या। मैडम, मैंने उन तीनों के रिकॉर्ड्स मिटा दिए। वेरी गुड, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, अंडरस्टैंड? यस मैडम। हेलो, क्या हुआ? मैडम, मैंने उन तीनों के रिकॉर्ड्स मिटा दिए। वेरी गुड, इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, अंडरस्टैंड? यस मैडम। लुक इंस्पेक्टर, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। आपको किसने इजाजत दी मेरे फोन को स्टैप करने की? आपने उन तीन लड़कियों के रिकॉर्ड्स क्यों जलाए? वो रिकॉर्ड्स उन लड़कियों के नहीं थे। तो फिर किसके थे? ये आपको बताना मैं जरूरी नहीं समझती। ऐसा है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में टांग अड़ाना, उसे कोऑपरेट ना करना भी एक गुनाह है, समझिए आप? मैं चाहूं तो शक के बिना पर आपको अभी और इसी वक्त अरेस्ट कर सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। मैं आपको एक सिंपल और अच्छी औरत समझता था, लेकिन लगता है कि आपको क्या लगता है मेरे बारे में, क्या सोचते हैं, क्या जानना चाहते हैं, ये जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे हॉस्टल का शहर में बहुत बड़ा नाम है, एक रेपुटेशन है जो इस हादसे की वजह से खराब हो रही है, इसलिए हम इस केस को ज्यादा हवा नहीं देना चाहते। एंड रिमेम्बर इंस्पेक्टर, आप मुझ पर शक करके ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस ट्रबल। जब तक मैं इस सच्चाई की तह तक नहीं पहुंच जाता, मैं आपको डिस्टर्ब करता रहूंगा। दैट्स माय ड्यूटी, और मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी बजा रहा हूं। चलता हूं मैं, फिर आऊंगा। मैं देखती हूँ डैडी। हेलो, आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुम्हें, जैसा कहता हूँ वैसा करोगी या नहीं? कहा ना नहीं। ठीक है, तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो उन तीनों लड़कियों का हुआ है। उनकी तो सिर्फ एक नस काटी थी, लेकिन तुम्हारे शरीर की एक एक नस काट दूंगा। ठीक है, बोलो मुझे क्या करना है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मैं जानता था तुम बहुत समझदार हो, मान जाओगी। कल
कल सुबह 7 बजे फिर से फोन करूंगा, ये बताने के लिए कि तुम्हें कहाँ आना है और क्या करना है। चर्च गेट सर, ये मेरी बेटी अनीता का लिखा हुआ वो खत है जो कल रात उसने मेरे नाम होटल पे छोड़ा था। इसमें लिखा है सर कि अनीता किसी ड्रग स्मगलर के गैंग में फंस गई है जो कॉलेज के मासूम बच्चों के हाथ हॉस्टल्स और कॉलेजेस में ड्रग एडिक्स को ड्रग सप्लाई करते हैं। इस गैंग में मिस्टर महेश कृपलानी, आपको कोई आइडिया है कि और कौन कौन शामिल हैं? सर ये बात सिर्फ गीता त्यागी ही जानती है। वैसे मैंने उसे डरा धमका कर उन लोगों के नाम पते बताने पर मजबूर कर दिया है। बस गीता यहां तक सही सलामत पहुंच जाए तो उन लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा। डोंट वरी मिस्टर महेश कृपलानी, गीता सही सलामत पहुंच जाएगी, श्रीवास्तव उसके साथ। श्रीवास्तव जी मेरा असिस्टेंट है, आप लोगों की हरकत पर नजर रखे हुए हैं। या सर मैं श्रीवास्तव बोल रहा हूँ सर, रास्ते में हमारी गाड़ी पर अटैक हुआ और गीता को बहुत चोट पहुंची है, मैंने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया सर। ओह माय गॉड, श्रीवास्तव तुम वहीं रुकना, मैं अभी आया। हाँ बोलो श्रीवास्तव। सर रस्ते में एक सिग्नल पर जब हमारी गाड़ी रुकी उसी वक्त एक मारुति वैन से गीता पर गोलियां चलाई गई। अब कैसी है वो? उसका पूछना मुश्किल है सर, मैंने उसके फादर मिस्टर त्यागी को भी इन्फॉर्म कर दिया है। गीता के पास से हमें ये एक लेटर मिला है। इंस्पेक्टर भारत, अनीता, रुबीना और सीमा का खून मैंने किया है। जिस दिन वार्डन ने हम चारों को हॉस्टल से निकाला था उसी रात मैंने वार्डन के ऑफिस जाकर चोरी से तीनों का सुसाइड नोट टाइप किया। उसी रात हम चारों ने साथ में बियर पी लेकिन मैं पीने का बहाना करती रही। और तीनों की बियर में मैंने नाइट्रोवेट की गोलियां मिला दी। हालत में सुसाइड नोट पे उनके सिग्नेचर ले लिए। और फिर मैंने उनका खून कर दिया। हाँ।
डॉक्टर साहब तबीयत कैसी अभी? ऑपरेशन करके गोलियां निकाल दी हैं। हाँ। लेकिन अगले 24 घंटे तक कुछ नहीं कहा जा सकता। आप मिल सकते हैं उन्हें? अभी नहीं, थोड़ी देर में होश आ जाएगा, उसके बाद आप मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, क्या हुआ मेरी बेटी को, कहाँ है वो? देखिए उसे गोलियां लगी हैं, उसका ऑपरेशन हो चुका है और वो इस वक्त आईसीयू में है। देखिए मेरी एक ही बेटी, प्लीज क्या हुआ उसे, बच तो जाएगी ना वो? आप धीरे रखिए प्लीज। हौसला रखिए मिस्टर त्यागी, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर्स कोशिश कर रहे हैं। वो उसके होश में आते ही उसका बयान ले लेंगे हम लोग, क्योंकि उसने खुद उस पर अटैक करने वालों को पहचान लिया है। जी इंस्पेक्टर भारत, क्या मैं अपनी बेटी से थोड़ी देर के लिए मिल सकता हूँ? होश में तो नहीं है, आप दूर से देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गीता मेरी बेटी, ये तुझे क्या हो गया? मेरी बच्ची, ये क्या हो गया तुझे? ये तुझे क्या हो गया मेरी बच्ची? मुझे छोड़ के मत जा, मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता मेरी बेटी। जिंदा तो आपको रहना पड़ेगा मिस्टर नवीन त्यागी, जेल में चक्की पीसने के लिए, अर्थात अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए। मेरा नाम इंस्पेक्टर भारत है मिस्टर नवीन त्यागी, इंस्पेक्टर भारत। श्रीवास्तव बंदूक पकड़ो। किस किस का ऑक्सीजन बंद करेंगे आप मिस्टर नवीन त्यागी? बिल्ली भी चार घर छोड़ देती है। एंड बाय द वे, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन सेक आपको बता दूं कि आपके आने से पहले आपकी बेटी मर चुकी थी। आपका ये गैस बंद करना उसके बयान पे मोहर लगा देता है। तो आप हैं मिस्टर नवीन त्यागी द ग्रेट, जो कॉलेज के मासूम लड़के लड़कियों को ड्रग सप्लाई करते हैं? तो आप हैं मिस्टर नवीन त्यागी जिसने अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा, उसे भी इस काम में घसीट लिया। तो आप हैं मिस्टर नवीन त्यागी जिसने अपनी बेटी को इस कदर मजबूर किया कि उसने 3 मासूमों की जान ले ली। एंड नाउ
ड्रग स्मगलिंग और अपनी बेटी के कत्ल के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। यू आर अंडर अरेस्ट।